सो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने पिछले क्लास में जाना था कि अगर टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन हम लगाएंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना, ये कंडीशन लगाने वाले थे हम। तो बेसिकली हमें कर्व में से स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालना है और वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 3x² - 6x - 9, और इसे किसके इक्वल कर देंगे, ज़ीरो के। 3 हम कॉमन अगर ले लें तो x² - 2x - 3 = 0, इसके फैक्टर अगर हम कर लें तो ये बन गया x - 1 and x + 3, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -1 and 3, तो हमारे पास x आ गया। अब हमें y निकालना है, y क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए, सवाल में हमसे पॉइंट्स पूछा गया। तो y अगर x बराबर -1 होगा तो कर्व में अगर हम रख दें तो -1³ - 3 + 9 + 7, दैट विल बी 16 - 4 = 12। इसी तरीके से अगर हम 3 करें तो 3 पे ये हमारे पास होगा 27 - 27, राइट, +7, सो वी हैव -20। सो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, -1, 12 and 3, -20। सो दीज आर द पॉइंट्स। समझ में आया आपको कैसे करना है, इस तरीके से हमें कंडीशंस को, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। तो अगला सवाल है हमारे पास, कर्व की इक्वेशन हमें दे दी गई है x² - 9 + y² - 16 = 1। अब समझ ही सकते हैं ये एक एलिप्स है, तो हमें इस पे पॉइंट्स बताने हैं इस कर्व पे। अगर टेंजेंट इस एलिप्स के पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और अगर पैरेलल हो वाई एक्सिस के, तो एक सवाल के अंदर ही दो पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले कर्व की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट्स बताने हैं, और पहला पार्ट कहता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि dy/dx = 0। तो जो भी कर्व की इक्वेशन दी गई है इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x/9, y² का हो जाएगा 2y/16, क्योंकि y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy/dx, और 1 का हो जाएगा 0। क्लियर, तो dy/dx तो 0 है, अगर मैं इसे यहाँ पुट कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2x/9 = 0, और मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। x जैसे ही मैं यहाँ पर 0 रख दूँगा तो दिस विल बी 0 प्लस y² / 16 = 1, y² = 16, एंड द वैल्यू ऑफ y इज ±4। सो व्हाट वी हैव पॉइंट्स एज 0, ±4। सो दीज आर द पॉइंट्स पहले पार्ट के लिए, समझ आ गया। दूसरे पार्ट पर अगर हम बात करें तो दूसरा पार्ट कहता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए मैंने क्या बताया था, कंडीशन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो dx/dy किसके इक्वल होगा, 0 के होगा। मतलब कर्व को हमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट द कर्व विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो x² का क्या होगा, 2x/9 dx/dy, y² का क्या होगा, 2y/16, और 1 का क्या होगा, 0। तो dx/dy 0 होना चाहिए, तो 0 हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। y अगर 0 आ गया तो कर्व में जैसे ही आप यहाँ पे y को 0 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा x² / 9 = 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी ±3। तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट आया ±3, 0। क्लियर, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस पे हमें पॉइंट्स बताने हैं और टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। कंडीशन आपको मालूम है, जब भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो dy/dx = 0। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो x² का कितना आएगा, 2x, y² का कितना आएगा, 2y, साथ में dy/dx -2, 3 का हो जाएगा 0। अब देखो dy/dx को तो 0 रखना है तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो 2x - 2 = 0, वैल्यू ऑफ x विल बी 1। x को अगर 1 यहाँ रख दूँ तो 1 + y² - 2 - 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आएगा y² 5 - 1, दैट इज y² = 4, एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी ±2। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, 1, ±2, सो दिस इज द पॉइंट वी हैव, राइट।
सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें शो करना है कि जो टेंजेंट है इस कर्व पे, कर्व की इक्वेशन दे दी गई है और दो पॉइंट दे दिए गए हैं एक्स बराबर टू और एक्स बराबर माइनस टू, दोनों पे जो टेंजेंट्स है वो कैसे हैं, पैरेलल है। तो हमारे पास कर्व क्या है, कर्व है हमारे पास 7x³ + 11। टेंजेंट निकालने के लिए dy/dx करना पड़ेगा, दैट विल बी 21x². अब अगर मैं पहला पॉइंट चेक करूँ 2 पे, तो मेरे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, m1 ले लेते हैं, 21 × 2² = 84 आ गया। और एट x = -2, तो इसे m2 ले लेते हैं, -2² भी 4 होता है तो 84 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m1 = m2। और अगर आपको मालूम है कि वेन स्लोप्स आर इक्वल तो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ लाइन क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट्स आर पैरेलल। क्लियर? सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कर्व पे एक पॉइंट बताना है। कर्व क्या है हमारे पास, y = x-2² जिसपे टेंजेंट जो है पैरेलल है कोड जॉइनिंग दिस। मान लेते हैं कि हमारा कर्व कुछ ऐसा है, इस पे टेंजेंट ऐसा है। अब ये जो टेंजेंट है, दिस इज पैरेलल टू दिस कोड, राइट? या ऐसे मान लेते हैं कि दिस कोड, कोड ये है और इस पे दो पॉइंट्स हैं जिसके ये पैरेलल है, ठीक। लेट मी राइट इट अगेन। मान लेते हैं कि ये ऐसे कोड है और ये इसके पैरेलल है, इस पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट से पास कर रहे हैं 2, 0 और 4, 4। तो क्या मैं इस कोड का स्लोप निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ कोड। अगर वो दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है तो उसका स्लोप क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1, पढ़ा ही हमने 11th क्लास में। सो 4 - 0 = 4, 4 - 2 = 2, तो स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया। आ गया, तो स्लोप ऑफ कोड पैरेलल है। अब स्लोप ऑफ कोड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, क्योंकि पैरेलल है ये। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। उसके लिए हमें कर्व को डिफरेंशिएट करना होगा dy/dx, दैट इज 2x - 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। सो हम कह सकते हैं x - 2 = 1, सो द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर इज 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ से y रखेंगे, 3 - 2 = 1, 1 का स्क्वायर आता है 1, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या हो गए, हमारे पास पॉइंट्स हो गए 3, 1। क्लियर है आपको ये? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि हमें कर्व पे पॉइंट बताना है जब टेंजेंट क्या है, जहाँ पर इस पर टेंजेंट क्या है, ये है। बेसिकली क्या, मान लेते हैं कि ये हमारा कर्व है और ये टेंजेंट है, ठीक, दिस इज सम काइंड ऑफ अ टेंजेंट। इस पे हमें पॉइंट्स बताने हैं और टेंजेंट की इक्वेशन हमें दे दी गई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y = x - 11। तो अगर कोई भी इक्वेशन अगर आपको मिलती है, कोई भी इक्वेशन अगर हमें मिलती है, तो क्या हम वहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है ax + by + c = 0, तो यहाँ से इसका स्लोप हम बोलें, दिस इज -a/b, दैट इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ वाई और उसका नेगेटिव साइन, कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ वाई। तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सही से लिखूं तो ये होगा x - y - 11। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो स्लोप है वो कितना है, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स है 1, कॉफिशियंट ऑफ वाई है -1, सो स्लोप आ गया 1, राइट? और ये टेंजेंट का ही स्लोप है क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं dy/dx करूँगा और ये मेरे पास कितना होगा, 3x² - 11, 5 का तो 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज dy/dx, दिस इज माई dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो 3x² = 12, सो x² = 4, और हम x की वैल्यू क्या कह सकते हैं, ±2। x की वैल्यू क्या हो गई, ±2, x आ गया हमारे पास। अब x की दो वैल्यू है, 2 और -2। अब y निकाल लेते हैं, y हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान रखना है y यहाँ पर 2-2 है, आप इसमें y मत पुट कर देना, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, हमें पॉइंट कर्व से निकालने होते हैं हमेशा, तो इसमें पुट करेंगे हम। तो अब मैं यहाँ पे अगर 2 रखूँगा तो 2³ हो गया 8 - 22 + 5, दैट इज -9,
माइनस टू अगर मैं रखता तो माइनस एट एंड दैट विल बी प्लस 22 आई गेस, यस प्लस 22 प्लस 5 27 दैट इज 19। सो मेरे पास पॉइंट्स हो गए 2, -9 एंड -2, -19। दीज आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व, राइट, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, एट व्हाट पॉइंट टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई इज पैरेलल टू दिस। ठीक, मान लेते हैं ये कोई कर्व है, इस पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन की इक्वेशन हमें दे दी गई है। ठीक, तो स्लोप ऑफ लाइन अगर मैं निकालना चाहूँ तो हमने अभी ऊपर सीखा कॉफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज 1, कॉफिशियंट ऑफ वाई दैट इज 2 नेगेटिव साइन, तो इसका स्लोप आएगा -1/2 का, क्लियर एकदम। ठीक, अब मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन करूँ अपने कर्व का तो dy/dx, बिकॉज अगर ये पैरेलल है तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy/dx। इसका अगर हम करें तो x का 1 y का क्या आएगा dy/dx इंटू कॉस का क्या आएगा नेगेटिव ऑफ साइन x प्लस वाई, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब ये कितना है हमारे पास -1/2 माइनस ये आ जाएगा 1 -1/2 साइन x प्लस वाई। ठीक, हमें पॉइंट्स निकालने, ध्यान रखना है आपको, -1/2 ये भी -1/2 हो गया साइन x प्लस वाई। इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो हमारे पास साइन x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 1। अगर साइन थीटा 1 है, ठीक साइन थीटा 1 है तो कॉस थीटा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कॉस थीटा उस वक्त 0 होगा क्योंकि साइन 1 जहाँ पे होगा वहाँ कॉस 0 होगा, राइट। कॉस एक्स प्लस वाई 1 आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई अगर 0 आ गया तो y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। कैसे, यहाँ देखो इक्वेशन में ये पूरी चीज़ 0 आ गई ना आपकी, तो y इक्वल टू 0 हो गया, y 0 हो गया तो अगर जब मैं यहाँ पे इसे रखूँगा तो ये आएगा cos x और y तो 0 हो गया इक्वल टू 0। अब cos x अगर 0 है तो x कहाँ कहाँ 0 हो सकता है वो हमें देखना है, cos x 0 है तो sin x क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम इनके ग्राफ को बनाएंगे। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, सबसे पहले किसको बना लेते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं साइन एक्स का, फिर हम बनाएंगे कॉस एक्स का ग्राफ। यहां पे अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक 0 दिस विल बी π/2 या आ गया पाई, 3π/2 या आ गया 2π, या आ गया दिस विल बी -π/2 दिस विल बी -π एंड दिस विल बी -2π, ये 3π/2। अब आप देखो आपको क्या बताना है, साइन एक्स 1 होना चाहिए और कॉस एक्स 0 होना चाहिए सेम पॉइंट पे। ये साइन एक्स का ग्राफ था, ये कॉस एक्स का ग्राफ था, -2π पर साइन 1 हो रहा है और कॉस 0 हो रहा है, 0 हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये वैल्यू जो है वो सेम जा रही है, साइन एक्स 0 दे रहा है और कॉस एक्स 1 दे रहा है, ठीक, या साइन एक्स जो है हमारा 1 होना चाहिए, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये गलत है। तो हमारे पास क्या है कि हमें ये देखना है कि साइन एक्स 1 आना चाहिए, साइन एक्स 1 देखो ये रहा साइन एक्स 1 और कॉस एक्स 0। तो अगर मैं ध्यान से देखूं -3π/2 को, देखो -3π/2 पे ये 1 आ रहा है और -3π/2 पे ये 0 आ रहा है, तो सही है, तो -3π/2 तो आ ही गया, ठीक। उसके बाद पाई पे देखें तो पाई पे तो कुछ वैल्यू नहीं है, हमें साइन एक्स को 1 देखना है, साइन एक्स 1 अब आगे जो है वो π/2 पर है, कहाँ पर है π/2 पर। तो π/2 पर अगर हम देखें, ठीक एक एक्स की और π/2 पे अगर हम देखें तो π/2 पे साइन एक्स 1 है और कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स 0 है, दिस इज 0। सो अगला पॉइंट है हमारा π/2, तो एक्स के दो पॉइंट आ गए -3π/2 π/2 और वाई क्या होगा 0 होगा। तो मेरे पास जो इसमें पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं -3π/2, 0 एंड π/2, 0 और ये मेरा इसका फाइनल आंसर है।